बुलंदशहर के गुलावटी में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे फायर ब्रांड नेता आजम खान का कहना है कि मोदी ने लोगों के हाथ में झाड़ू दे दी है, ये है देश के लोगों का मुकद्दर, लोगों से सफाई कर्मचारियों का काम करा रहे हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को डायनामाइट लगाकर मस्जिद गिरा दी थी और अब एक और बहादुरी का काम लोग करने जा रहे हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन ये अयोध्या में राम मंदिर बनाए तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। अयोध्या में मुस्लिम पलायन से जुड़े सवाल पर आजम खान बोले कि मोदी जी बोले तो हम देश छोड़ देंगे। मीडिया पर भी आजम खान ने हमला बोला। झाड़ू दो भाई, बताइए, इतना अच्छा काम बता दिया, झाड़ू देने का, सफाई कर्मचारी का यही मुकद्दर है हमारा, झाड़ू दे। एक अखिलेश जी ने अलग केक कटाया और वहीं शिवपाल जी ने इटावा में दंगल करा करके दोनों अलग अलग जन्मदिन मनाया, तो सर क्या आप इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? भाई मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं करा सका, बड़े लोग हैं, 100 जगह जन्मदिन मनाए जाए, 1000 जगह मनाए जाए, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, परिवार में सर जैसे पहले एक बेटा है, एक भाई है, सेल्फी कोई नहीं खींचेगा। अच्छा देखो, अगर मोदी जी की बात मानना है ना तो झाड़ू दो। हाँ सही बात, सेल्फी में मरोगे, अम्मा रोएंगी रात को, बेटा सेल्फी नहीं, वैसे भेजा निकला पड़ा है बेटे का, 3500 लोग रोज मर रहे हैं सेल्फी से, तुम काय मरना चाह रहे हो? झाड़ू दो, सिखा दो रहे मोदी जी झाड़ू देना।